साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको मान लिए चलते हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में आईटी एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन आईएनबी को सौंपा है, तो आईएनबी के द्वारा जो फाइनलाइज किया चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया। दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, दे हैव गॉट गुड बिजनेस, दे हैव गॉट गुड नंबर ऑफ यूजर्स एंड दे हैव ऑल्सो इम्पावर्ड ऑर्डिनरी इंडियंस। इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड राइट टू डिसेंट। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एंड सोशल मीडिया हैज बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. Media में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. इसकी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी और बाकी चर्चा हम करेंगे कि हाउ ऑफ लेट सम इंटरमीडिएट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वी आर यूज्ड टू गार्नर कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी इंटर से अमंग कॉर्पोरेट हाउसेस। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल टेररिस्ट देश में केओस मेहम वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म वेयर वी आर इंसिस्टिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म टू डेवलप द मैकेनिज्म एंड हैव ए रोबस्ट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फेसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़ एंड ट्विटर यूजर आर 1.75 करोड़। दिस इज ए गुड नंबर, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। इंडियन यूजर्स आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग गुड बिजनेस केस, वेलकम। बट वॉट हैज हैपन एज आई इंडिकेटेड इन द वेरी बिगिनिंग, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है। और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं।
जब प्रकाश जी ने यहाँ फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन, देयरफॉर दिस ओनली कन्फर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज. और बाकी फिनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीज़ें चल रही थी. तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, मेनी बिकेम एज इंटरमीडियरी, देन बिकेम द सोशल मीडिया, सम बिकेम पब्लिशर्स ओवरनाइट, ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है. ये आपको हम बताना चाहते हैं. आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ऑन 11 दिसंबर 2018 इन द प्रांजोला केस आस्क अस टू फ्रेम नेसेसरी गाइडलाइंस टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप इमेजेस, वीडियोज एंड साइट्स इन कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड अदर एप्लीकेशंस. सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 सितंबर 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीएस्ट. आवर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सानी हैड फाइल एन एफिडेविट इन द कोर्ट टू बी डूइंग बाय दिस ईयर बिगिनिंग इटसेल्फ. राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, ए भी तो सोशल मीडिया पर. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्ज मी टू टेक एक्शन एंड देयर इज माय अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि वी विल इंप्रूव द एंटायर गाइडलाइन. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है ऑन 3 फरवरी 2020, जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी. देयरफॉर कोर्ट ऑर्डर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, आई ओनली मेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देयर आर मेनी ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स एज वेल टू टेक एक्शन इन दिस. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया. We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain, and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो rules आपके सामने आएगा, press statement भी है. पहला है कि दो कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी, विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है, देर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. वी शैल नोटिफाई द यूजर्स number for a significant social media intermediary very soon. Who will be those? पहला है कि आपको एक grievance redressal mechanism रखना पड़ेगा, and इस grievance officer का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे. तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा. पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट्स एंड द रूल्स. सेकेंड, ए नोडल कंटैक्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. To pehla ho gaya chief compliance officer, dusra ho gaya nodal contact person, teesra hai appoint a resident grievance officer who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is, you must
पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिट्रेसल किया. देयरफॉर जस्ट टू कॉन्क्रीटाइज, वी आर एम्पावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर इंटरमीडियरीज. यू मस्ट हैव ए रोबस्ट ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म इन शूटिंग द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स, रिट्रेसल विद इन 15 डेज. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है first originator का, कि खुराफात हुई, but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीज़ें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, यह बताना पड़ेगा. आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड आइदर बाय अ कोर्ट ऑर्डर और बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मिसचीवियस ट्वीट और मैसेज एज द केस मे बी, एंड दिस शुड बी ओनली इन रिलेशन टू सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, नंबर वन. नंबर टू, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स और रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सरकार का कहना है कि उन्हें आलोचना से परेशानी नहीं है, लेकिन गलत खबर सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए. वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पर भी हिंदुस्तान पर खबरें जारी हैं.